कोरोना वायरस न सिर्फ दुनिया भर के लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है बल्कि पर्यटन उद्योग की भी कमर तोड़ रहा है। भारत में कोरोना का दायरा लगातार फैल रहा है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पर्यटन नगरी जयपुर में सामने आए हैं। यहां अब तक कोरोना के 18 मरीज सामने आ चुके हैं। तेजी से बढ़ती ये गिनती अब यहां आने वाले टूरिस्टों को डराने लगी है। कोरोना वायरस का खौफ सैलानियों पर दिखने लगा है। जो पर्यटन स्थल कभी टूरिस्टों से गुलजार रहते थे आज कोरोना के खौफ से सन्नाटे में हैं। हालात ये है कि जिन पर्यटकों ने महीनों पहले होटल रूम बुक किए थे अब रद्द करा रहे हैं। Business is like a wall of glass, and a small stone can break whole wall. So this kind of news coming from everywhere, from international media, domestic media. So of course this year we have almost 40 to 45% cancellations. कोरोना वायरस की तेजी से फैलती दहशत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां टूरिज्म इंडस्ट्री में करीब 70% की गिरावट आई है। विदेशी टूरिस्ट तो लगभग आना ही बंद हो गए हैं, साथ ही घरेलू पर्यटकों की संख्या में करीब 20% से ज्यादा की कमी आई है। जो टूरिस्ट पहले ही आ गए थे अब वही घूमते टहलते दिख रहे हैं, वो भी मास्क लगाकर और पूरी सावधानी के साथ घूमने निकल रहे हैं। जयपुर के जंतर मंतर पर बनी टिकट विंडो सूनी नजर आ रही है। आम तौर पर यहां पर्यटकों की लंबी लाइन लगी रहती थी लेकिन पिछले 3-4 दिनों से यहां सन्नाटा पसरा है। अरे जो पर्यटकों पर जो यहां का आवागमन है वो लगभग 30 से 40% कम हो गया है, लेकिन इसमें अभी यहां हमारे यहां इस तरीके कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है और हम अपेक्षा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस चीज़ से हम मुक्ति पा करके हमारे टूरिस्ट की आवागमन अधिकता बढ़ेगी। होटलों में बिना मेडिकल जांच करवाए टूरिस्टों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके अलावा उनके आगे के टूर और बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया गया है। आलम ये है कि हाथियों पर पर्यटकों को सैर कराने वाले महावत खाली बैठे हैं। उनके पास काम नहीं बचा है, उन्हें घर का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। जिन दुकानों पर देसी विदेशी टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती थी उन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। खरीदार नदारद हैं, बिक्री ठप है। अभी प्रेजेंट टाइम में बड़ी स्थिति खराब हो रखी है कोरोना वायरस से, जिससे कि करीब 80% बुकिंग कैंसिल हो चुकी और आगे भी ऐसा लग रहा है कि और हो जाएगी। पर्यटन विभाग ने सूबे के सभी होटल्स, गेस्ट हाउस, ट्रेवल एजेंसी, गाइड और टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवरों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें होटल्स में आने वाले पर्यटकों को मास्क उपलब्ध करवाने से लेकर होटल और गेस्ट संचालन से जुड़े कर्मचारियों, ड्राइवरों और गाइडों को पर्यटकों के साथ मास्क लगाकर काम करने का निर्देश शामिल है। विदेशी पर्यटकों के आने पर होटल संचालक और गेस्ट हाउस संचालक तत्काल एफआरओ को जानकारी देंगे। इसके अलावा सीएमएचओ कार्यालय में भी जानकारी देनी होगी। पर्यटन विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपका मनपसंद न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान अब तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध है। भाषा बदलने के लिए अपने रिमोट पर लैंग्वेज का बटन दबाएं, तमिल या तेलुगु को अपनी पसंदीदा भाषा के तौर पर चुनें और ओके का बटन दबाएं। जी हिंदुस्तान इन सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चैनल देखने में किसी तरह की परेशानी होने पर कृपया अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर को फोन करें या व्हाट्सएप नंबर 8588806221 पर शिकायत भेजें।